वाहन चोरी की घटनाओं में वृद्धि होने के बाद पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तीन टीमों का गठन किया गया था, जिसके क्रम में कोतवाली नगर की टीम द्वारा इसमें तीन वाहन चोरों के गिरोह को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है और गिरफ्तारी के बाद उनकी निशानदेही पे कुल 70 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं जो सभी चोरी की पाई गई हैं। इसमें एक अपराधी जो हमारे थाना क्षेत्र मसौली का रहने वाला और बाकी दो जनपद बहराइच के रहने वाले हैं। इनका गिरोह लंबे समय से शहर में चोरियां करके गाड़ियों में ले जाना और बहराइच में खपाना या अन्य जगहों पर खपाने में लगा रहता था। यह एक अच्छी कार्रवाई हुई जो पुलिस द्वारा इन गिरोह को पकड़ा गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि अब शहर क्षेत्र में जो चोरी की घटनाएँ हो रही थी वहाँ चोर उस पर रोक लगने लगे। कोई ऑर्गेनाइज्ड गैंग है क्या ये? ये तीनों एक संगठित गिरोह है। ये तीनों लगातार पिछले 2-3 साल से ऐसा काम कर रहे हैं और गाड़ियों को ले जाना, उनको बेचना और उनसे अपना आय अयाशी करना, ये सब उनका धंधा रहता था और इसी के चक्कर में ये वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। क्या मोड क्या था इनका मोडस? ये नकली चाबियाँ बनाते थे और अस्पतालों पर, रेलवे स्टेशनों पर या भीड़ भाड़ वाली बाजारों में रखना, ट्राई करना और जो गाड़ी खुल गई उससे गाड़ी लेके चले जाना और उन गाड़ियों को बहराइच के इंटीरियर क्षेत्रों में जो देहात क्षेत्र वहाँ पर बेच देना और उस पैसे से अपना गुजारा करना या अपना मौज मस्ती करने में व्यस्त रहते थे। और एक अच्छा गिरोह है और इसमें कुछ लोगों को भी सम्मिलित किया गया है। अब उनकी जानकारी के हम लोग प्रयास हमें पूरा विश्वास है कि इस गिरोह के पकड़े जाने के बाद विशेषकर फतेहपुर सेक्टर क्षेत्र में वाहन चोरी की घटनाओं पर विराम लगेगी। सर कितने लोग हैं अभी इसमें? कुल 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है जो चारों मौके पर गाड़ियों के साथ पकड़े। क्या कुछ इनका आपराधिक इतिहास भी? इनका आपराधिक इतिहास रहा है, थाना सीतापुर के विभिन्न थानों में ये वाहन चोरी में जेल गए हैं और इसमें से एक व्यक्ति फतेहपुर से भी जेल भेजा गया है और बाकी इनका आपराधिक इतिहास एकत्र किया जा रहा है और साथ ही इनके विरुद्ध गैंगस्टर रखते तहत कार्रवाई की।